हे गाइस, मैं उससे चुनिगम और आज की इस वीडियो में हम अगेन से बात करने वाले हैं डेडपूल एंड वॉल्वरिन मूवी के बारे में। डेडपूल एंड वॉल्वरिन मूवी के आने में अब सिर्फ एक महीना बचा है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको रेडी हो जाना चाहिए बहुत सारे लीक्स, बहुत सारे रूमर्स के बारे में जानने के लिए। और साथ साथ जो लोग स्पॉइल नहीं होना चाहते और मूवी को एज फ्रेश एज देखना चाहते हैं, तो भाई वो बंदे स्किप कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 से 6 जनों के नाम जो कि इस मूवी में कन्फर्म हो चुके हैं अपेयर होने के लिए। तो हे गाइस, मैं उसे चलेगा, मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें इस मूवी के अंदर ना, तो आपको पता है कि ये एक मल्टीवर्सल मूवी है। इसका मतलब है कि बहुत सारे कैमियो इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। अब इन कैमियोस के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने आपको बताया है कि इस मूवी के अंदर कौन कौन से कैमियो होने वाले हैं। लेकिन कल ही, मतलब कल रात को ही, कुछ कैमियोस जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं। सबसे पहले रायन रेनॉल्ड्स ने अपने इंस्टाग्राम पे ये फोटो शेयर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि अवेंजर्स का फ्लैग है और उस अवेंजर्स वाले फ्लैग पर उन्होंने ए लिख रखा है और ब्लू कलर का ये फ्लैग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस फ्लैग को देखने के बाद में आपको लगेगा कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। शायद रायन जो है वो ये टीज कर रहे हैं कि हम अवेंजर्स 5 का, यानी कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का पार्ट होने वाले हैं। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि वो टीज कर रहे हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये जो फ्लैग है, ये फ्लैग है रेजिस्टेंस ग्रुप का, जो कि अगेन डेडपूल एंड वॉल्वरिन मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इस मूवी की विलन की बात करें तो मूवी की विलन है कैसेंड्रा नोवा, जो कि चार्ल्स एक्सवियर की बहन है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। अब वॉइड के अंदर ना, मतलब डेडपूल 3 की जो मेन सेटिंग है वॉइड के अंदर है, और वॉइड के अंदर हमें कैसेंड्रा नोवा के साथ बहुत सारे विलन देखने को मिलेंगे, जिसमें टोड भी है और अजेजल भी है, लेडी डेथस्ट्राइक भी है। यू नो ऑलरेडी, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये पता चला है कि इसके साथ साथ इस वॉइड के अंदर ना एक ग्रुप होगा, जो कि रेजिस्टेंस ग्रुप होगा, जो कि कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ काम करेगा। अब इस कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ काम करने वाले ग्रुप का मेरे ख्याल से ये झंडा है, जो कि रायन अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, और मुझे लगता है कि उनका नाम भी अवेंजर्स ही होगा। जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि थॉर 3 के अंदर जो हमारे थॉर थे भैया, उन्होंने अपना नाम री अवेंजर्स रखा था। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि डेडपूल एंड वॉल्वरिन साथ में मिलकर, जो सारे रेजिस्टेंस वाले बंदे हैं ना, इनके साथ में मिलकर अपना नाम अवेंजर्स रख सकते हैं। अगेन, ये भी अवेंजर मूवी का पार्ट होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, तो वो अपना नाम तो जरूर रखेंगे। अब इस मूवी के अंदर हमें पता है कि रेजिस्टेंस ग्रुप होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप देख लेते हैं कौन कौन इस मूवी का पार्ट होने वाला है, इस ग्रुप का पार्ट होने वाला है। सबसे बड़ा नाम जो हमारे सामने निकल कर आया है वो है दो जनों का। एक है वेजली स्नाइप्स। जी हाँ, वेजली स्नाइप्स वही बंदे हैं जिन्होंने मार्वल की ब्लेड मूवी के अंदर काम किया था। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि मार्शल अली, जो कि नए ब्लेड हैं, उनसे पहले पुराने ब्लेड की मूवी के अंदर कैमियो हो रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। अब ये बात मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ब्लेड जो है, यानी कि जो हमारे मिस्टर वेजली स्नाइप्स हैं, ये ब्लेड का रोल कर रहे हैं इस मूवी में या किसी और चीज़ का रोल कर रहे हैं। डैनियल आरपीके ने ये चीज़ बताई है कि एक सपोर्टिंग रोल है इनका। ये सपोर्टिंग रोल किसका है ये मुझे नहीं पता। अब तुम्हें एक खास बात बताता हूँ, वो ये है कि ब्लेड मूवी की जो थर्ड पार्ट आया था, ब्लेड ट्रिनिटी, उसके अंदर हमें रायन रेनॉल्ड्स भी देखने को मिले थे, और ये कहा गया था कि उन दोनों की सेट पर हुई थी लड़ाई। तो अब इन दोनों के बीच में बनती नहीं है, तो वेजली स्नाइप्स को इस मूवी में लाया कैसे गया है ये मुझे नहीं पता। और आई थिंक अगर लाया गया है तो ये बहुत ही प्रोफेशनल बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़ाई को भुलाकर इस मूवी के ऊपर काम करने की सोची, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, और ये बहुत ही अच्छी बात है। और एशियंस ग्रुप के बंदों की अगर बात करें तो बड़ा नाम जो अगला आता है वो है क्रिस एवंस का। जी हाँ, क्रिस एवंस यानी कि हमारे कैप्टन अमेरिका। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है, कैप्टन अमेरिका ऑलरेडी ह्यूमन टॉर्च रह चुके हैं, तो इस रेजिस्टेंस ग्रुप का वो पार्ट होने वाले हैं। और बाकी 3-4 बंदे और हैं जो कि इस रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट होगा। पहला इसके अंदर हमें देखने मिलेगी X23। जी हाँ, X23 के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था। डैफनी की बोल रही थी कि मैं इस मूवी के अंदर नहीं हूँ, बट आपको पता है कि वो एंड्रू गारफील्ड वाली सिचुएशन है, ऑब्वियसली वो इस मूवी के अंदर है। दूसरा, यहाँ पर हमें देखने मिलेगा चैनिंग टेटम का गैम्बिट। जी हाँ, चैनिंग टेटम का गैम्बिट फाइनली हमें डेडपूल एंड वॉल्वरिन मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, और वो गैम्बिट प्ले करेंगे। और तीसरा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रा देखने को मिलेगी। जी हाँ, जेनिफर गार्नर का जो इलेक्ट्रा है वो हमें देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद और बंदे नहीं होने वाले हैं। और जेनिफर गार्नर से जब पूछा गया था तो भाई बताओ जी कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती बिकॉज आई डोंट नो। लेकिन ये चीज़ अब हमें कन्फर्म हो चुकी है कि इस मूवी के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस ग्रुप भी मिलेगा, जहाँ पर हमें ब्लेड, गैम्बिट, X23 और ह्यूमन टॉर्च और इलेक्ट्रा, ये 5 बंदे तो कंफर्म देखने को मिलने वाले ही हैं। जी हाँ, और भी बात करेंगे डेडपूल एंड वॉल्वरिन मूवी के बारे में। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है इस मूवी को आने के लिए, और मार्वल की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि बाकी तो वो सारी मूवी अपनी लीक करा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ कोशिश की है कि डेडपूल 3 ज़्यादा लीक ना हो,
सिर्फ एक ही सीन लीक हुआ था जहाँ पर वो सेबरटूथ पर हमला कर रहा है हमारा वॉल्वरिन, और इसके अलावा कोई भी सीन लीक नहीं हुआ, और जो सीन लीक भी हुए हैं उनके अंदर कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है, सो इट्स अ गुड थिंग। साथ साथ हमें यही पता चला है कि इस मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाला है। जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज का कितना बड़ा रोल होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता, बट हाँ ये चीज़ कन्फर्म है कि शायद इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज होगा। अब बेनेडिक्ट कंबरबैच ने तो ये भी बोला है कि अगले साल मैं अवेंजर्स 5 की शूटिंग कर रहा हूँ, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, बट हाँ आज की न्यूज़ के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।